Bismillah. Hi friends. So we are proceeding toward oxidation, the fourth chemical property of alcohol in a O bond H break as well as C bond H break. अब तक हमने देखा था O bond H break reaction types, जिसमें action of metals था और esterification था. उसके बाद हमने देखा C bond O break, जिसमें था action of PCl3, PCl5, SOCl2, action of HX. ओके okay? अब यहाँ पर ये जो थर्ड टाइप आ रहा है, यहाँ पर ओ बॉन्ड एच ब्रेक एज वेल एज यहाँ पर होगा सी बॉन्ड एच ब्रेक. नाउ सी दिस इज द ओ बॉन्ड एच ब्रेक एंड हियर इज द सी बॉन्ड एच ब्रेक. ओके, हियर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमेंबर दैट. हियर oxidation of alcohol means removal of hydrogen, because removal of hydrogen is also oxidation. And oxidation of aldehydes and ketones means addition of oxygen. We will see it in the next reaction. Okay, now see, यहाँ पर से ये H remove करते हैं और अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा रहता है हम उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन. तो अल्फा कार्बन पे से एक हाइड्रोजन जाएगा और हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन जाएगा. नाउ द रिमेनिंग पार्ट CO, दैट इज CO, एंड बैलेंस करने के लिए पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. नाउ इट इज कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन. नाउ सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्राइमरी अल्कोहल. दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली कनेक्टेड विथ वन कार्बन, सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल. नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, one hydrogen from here and another hydrogen from alpha carbon. So इसने H loss किया तो ये CH बन गया है. Now see, CH और OH ने H loss किया तो ये O गया है, तो ये बन गया CO, carbonyl compound, that is aldehyde. So primary alcohol on oxidation gives aldehyde. Now oxidation of aldehyde, it is very simple, addition of oxygen. एक oxygen पहले से था, एक oxygen हाइड्रोजन को ब्रेक करके आया है यहाँ पर, बाद में हाइड्रोजन फ्यूज हो गया है तो ये बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड. सो प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड. नो चेंज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम. सो जो अल्कोहल आप लेंगे वही आपको एसिड यहाँ पर मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, आई विल शो यू वन एग्जाम्पल. CH3CH2OH, it is ethyl alcohol. Ethyl alcohol का oxidation किया, यहाँ पर आता है nascent oxygen oxidation के लिए from K2Cr2O7H2SO4. कौन कौन से oxidizing agents हम use कर सकते हैं, हम ये previous video में देख चुके हैं, तो वो आप उसको थोड़ा learn कीजिए. okay? तो ये यहाँ से एक hydrogen loss होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन लॉस होगा, विद दिस ऑक्सीजन बन जाएगा H2O. नाउ रिमेनिंग पार्ट CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड. नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ दिस एल्डिहाइड, अगेन सेम रिएजेंट, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन आप ऐड कर देना है, बन जाएगा एसिटिक एसिड, मीन्स इथेनोइक एसिड. दो कार्बन वाला अल्कोहल लिया है, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड मिला है, दो कार्बन वाला एसिड. No change in number of carbon atoms. Okay. One more oxidizing agent, CrO3, chromic acid. आप यहाँ पर chromic acid भी जो है use कर सकते हैं oxidation के लिए. Similar action, यहाँ से एक hydrogen loss हुआ, यहाँ से एक hydrogen loss हो गया, ये बन गया aldehyde. So primary alcohol on oxidation always will give aldehyde. Okay. अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो ये भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं. इफ़ वी विल यूज सेकेंडरी अल्कोहल, फॉर एग्जांपल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू कैन यूज, बट बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर इज KMnO4 विथ H2SO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगेन H फ्रॉम हियर, अनदर H फ्रॉम हियर. नाउ द रिमेनिंग पार्ट एसीटोन. फिर एसीटोन से एसिड कैसे बनता है ये भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, आप उसको थोड़ा रेफर कीजिए. अब यहाँ पर एक ये यूज़ हुआ है PCC, आगे मैं स्ट्रक्चर बताऊँगा, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. इट्स नेम इज़
pyridinium, chlorochromate. It is also oxidizing agent, but remember that this is a mild oxidizing agent. Ye mild oxidizing agent. It oxidizes only alcohols, not aldehyde ketone. Okay. One more important point is it does not oxidize the olefinic bond. Double bond को ये disturb नहीं करेगा. आप देखिए reaction हुआ, यहाँ से H loss हुआ, यहाँ से H loss हुआ, तो ये CHO बन गया. लेकिन double bond as it is है. तो यहाँ पर double bond as it is रहेगा. चाहे आप primary alcohol का करते हैं, secondary alcohol का करते हैं, यहाँ oxidation होगा. लेकिन olefinic bond को disturb नहीं होगा. अगर हम same PCC लेते हैं with secondary alcohol, so you will get acetone. CH3, C double bond O, CH3. This is acetone. ये further oxidation नहीं करेगा. जैसे यहाँ पर जो KMnO4 या H2SO4 लेते हैं हम, तो ये आगे oxidation कर देते हैं इसका. Okay? ये सेकेंडरी का एग्जांपल मैंने पीछे जो है बता दिया. ये इसने यहाँ पर देखो फिर से इसको जनरल रिएक्शन में लिया है कि यहाँ से एक एच लॉस होता है, यहाँ से एक एच लॉस होता है, ये बन जाएगा कीटोन एसीटोन. दिस इज पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन C5H5N. इट इज कॉल्ड पायरिडीन C5H5N. इसी के पास जब हाइड्रोजन आ जाता है और तो ये अपने लोन पर देकर हाइड्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए इसको बोला जाता है पायरिडिनियम. दिस इज द क्लोरो ग्रुप एंड सी आर ओ थ्री होता है क्रोमेट. तो पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. वन मोर पीडीसी. दिस इज पीडीसी पायरिडिनियम डाइक्रोमेट. पायरिडिनियम क्या होता है ये तो आपको पता चल गया. तो ये दो मोल्स लेना है पायरिडिनियम, और क्रोमेट भी आपको पता है तो दो क्रोमेट लेना है, यहाँ क्लोरो नहीं है. तो पायरिडिनियम डाइक्रोमेट. सो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है. ओके हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल. बेंजाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं हम पीसीसी या पीडीसी से. तो ये इस ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा और बना देगा, यहाँ से एक एच लॉस होगा, यहाँ से एक एच लॉस होगा, तो रिमेनिंग पार्ट सी एच और ये रह गया इधर ओ. बेंज एल्डिहाइड. ओके तो ये यहाँ पर बेंज एल्डिहाइड फॉर्म हो गया है. यहाँ पर एक एग्जांपल मैं थोड़ा सा लेता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग. पीसीसी पीडीसी ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये सिर्फ अल्कोहल को एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में कन्वर्ट करेंगे. ये इनको एसिड्स की तरफ नहीं लेके जाएंगे. एसिड्स की तरफ आपको ले जाने तो स्ट्रॉन्ग एजेंट्स चाहिए, KMnO4 विद H2SO4, पोटेशियम पर मैग्नेट एसिडिक, या K2Cr2O7, Na2Cr2O7 भी ले सकते विद H2SO4. ओके दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. सो दे कैन कन्वर्ट एल्डिहाइड कीटोन ऑल्सो इंटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ओके तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ. इस एग्जाम्पल में हम दो तीन कंसेप्ट देखेंगे. ओके सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच ओ एच, सी एच थ्री. सो नेचर ऑफ दिस अल्कोहल इज सेकेंडरी. हम यहाँ पर ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल दिस वन. तो ऑक्सीडेशन के लिए वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. ओके सो हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन जाता है हमको पता है, और अल्फा हाइड्रोजन जाता है. अभी सेकेंडरी अल्कोहल है तो डेफिनेटली ये क्या देने वाला है, कीटोन. हियर वी विल गेट कीटोन. इसका नेम क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव पेंटेन टू ऑल. अल्कोहल है पांच कार्बन वाला, पेंटेन टू ऑल. इससे हमको क्या मिला है यहाँ पर, वन टू थ्री फोर फाइव कीटोन मिला है, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है.
तो पेंटेन टू ओन सफिक्स चेंज हो जाएगा, कीटोन बन गया है. ओके, सो सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, ये हम पहले भी देख चुके हैं. बट कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन विद द सेम रिएजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इफ यू विल यूज हियर, सो ऑक्सीजन विल बी इन एक्सेस एंड हियर विल बी द ब्रेकिंग ऑफ दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 2 and 3, नॉट बिटवीन कार्बन नंबर 1 and 2. वाई? हियर इज अ रूल दैट इज कॉल्ड पॉफ्स रूल. पॉफ्स रूल क्या बोलता है? इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल मतलब इसके दोनों साइड डिफरेंट कार्बन है. सो ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप मीन्स CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप रिमेंस विथ मतलब किसके साथ जाएगा, वो रिमेंस विथ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप क्योंकि वो स्टेबल होता है. और यहाँ स्मॉलर ग्रुप कौन है? मिथाइल, इसलिए इसके साथ जाएगा. ये यहाँ से लेगा एक ऑक्सीजन तो ये बन जाएगा CH3CO, एक ऑक्सीजन आ गया O, और यहाँ से एक हाइड्रोजन बन गया एसिटिक एसिड, प्लस ये जो तीन कार्बन रह गए यहाँ पर CH3, CH2 एंड रिमेनिंग CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन जा चुका है. इसके पास आ जाएंगे 2 nascent oxygen, मतलब यहाँ पर टोटल 3 nascent oxygen यूज होंगे. ये बन जाएगा प्रोपियोनिक एसिड, एसिटिक एसिड 3 carbon वाला, प्रोपियोनिक एसिड 3 carbon वाला. ओके, चलिए आगे चलते हैं. एक मेटल भी है जो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये इसको एक्चुअली कहा जाता है डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट, क्योंकि कॉपर एक मेटल है, इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, ये सिर्फ हाइड्रोजन को रिमूव करता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सो इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. तो कॉपर क्या करता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा हाइड्रोक्सिल वाले और एक अल्फा पे से, तो रिमेनिंग पार्ट RCHO बन गया और यहाँ से H2 लिबरेट हो जाएगा. ओके, सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है हम देख चुके हैं पहले. अगेन यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, H2 चला गया. तो प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन. दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन. बट इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल देर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जो अल्फा हाइड्रोजन था ना यहाँ पर, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ डिहाइड्रेशन करता है कॉपर, मतलब यहाँ से जाएगा OH अल्फा पे से और ये बीटा पे से H को निकाला है CH3 पे से. तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन गया है और यहाँ से OH गया है, ठीक है, तो ये बन जाएगा अल्कीन यानी आइसोब्यूटिलीन. सो कॉपर ऑन ऑक्सीडेशन एट 573 केल्विन प्राइमरी गिव्स एल्डिहाइड विथ सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन एंड टर्शियरी विल गिव अल्कीन. ओके, आई थिंक एग्जाम्पल काफ़ी सफिशिएंट हो गए, लास्ट वीडियो में भी हमने काफ़ी एग्जाम्पल देखे, इसलिए हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं. ओके, थैंक यू.